मनिहारी के गंगा तट पर भाजपा के नमामि गंगे प्रकोष्ठ के द्वारा गंगा आरती का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर शाम भाजपा द्वारा नियुक्त पुरोहित टीम के द्वारा जिले के 4 स्थानों पर बारी बारी से गंगा आरती की गई। इसी कड़ी में सबसे आखिरी में मनिहारी के गंगा तट पर आरती की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिस कारण गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत देर शाम 8 बजे के बाद हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम में महिला श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक रही। सभी ने हाथों में दीप जलाकर गंगा आरती की। वहीं कदवा से भी लगभग 200 महिलाएं और पुरुष इस आरती में शामिल हुए। पुरोहित के रूप मनोज उपाध्याय के निर्देशन में अन्य पुरोहितों ने गंगा आरती की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर कटिहार जिले के कई जगह नदियों में यह गंगा आरती का बृहद कार्यक्रम चल रहा है। उसी निमित्त आज हम लोग मनिहारी के गंगा तट पर सभी श्रद्धालु भक्त और हमारे नेता सभी लोग उपस्थित हुए हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को 71 साल के हो गए हैं और 17 सितंबर से लेकर के लगातार 20 दिनों का 7 अक्टूबर तक का है लगातार का कार्यक्रम है। प्रतिदिन यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी निमित्त आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कहा गया था कि आज के दिन सभी घाटों पर हम लोग साफ सफाई का भी काम करेंगे, गंगा तट पर महाआरती का भी कार्यक्रम चलेगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये गंगा माँ जो है कि मुक्ति वाहिनी है और इस धरती पर भागीरथी प्रयास से गंगा को लाया गया था और मुक्ति दिलाने के लिए ही गंगा को लाया गया था और इसीलिए हम उसकी आरती कर उतार रहे हैं, आज आरती कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी, पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष लक्की महतो, जिला उपाध्यक्ष कैलाश सिंह, कार्यक्रम के संयोजक फूल कुमार पोदार, सह संयोजक गगन मवार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तासीम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।